थम्बा 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 भाई, मैं तो एक ही मोदी जी को जानता हूँ, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के अलावा जो भी, चाहे वो नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, किसी का कोई भी सरनेम हो, कोई भी शर्मनाक काम करता है देश के लिए, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक तरफ भारत पूरी दुनिया के मुकाबले आर्थिक शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है, वहीं कुछ लोग घोटाले करके देश को बदनाम करते हैं और जिन लोगों का बैंकों पर भरोसा है उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। मोदी जी ने देश में एक आशा और विश्वास जगाया, ऐसे जो गलत काम करने वाले मोदियों से देश के लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाता है। और मोदी सरकार इस नीरव मोदी के पापों को, अरे रुक जाओ, मोदी नरेंद्र मोदी सरकार नीरव मोदी को उसके असली ठिकाने तक जरूर पहुंचाएगी और इसके पापों का फल इसको मिलेगा और सरकार शायद वसूली भी कर लेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन स्वामी जी, माल्या उसके बाद अभी नीरव मोदी तो के घोटाले करने के बाद भी वो देश से पलायन करते हैं, सरकार का भी इसमें कोई तो भी सहयोग उनको होता है? देखिए, करीब करीब पिछले दो दशकों से कुछ बड़े लोगों को इस तरह से बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई कि उसमें नियमों की अनदेखी की गई। अब ये एक गंभीर विषय है कि बैंकों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप ना, और बैंक अपनी प्रामाणिकता के साथ अपनी कार्यशैली को इस तरह से दुरुस्त रखें कि कोई लोग जो है बैंकों का पैसा ना ले डूबे, क्योंकि बैंकों में जो पैसा होता है वो आम आदमी का, गरीब आदमी का, किसानों का होता है और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। चलो अब फूड पार्क मिहान में पतंजलि का पूरा कार्य चालू हो चुका है, आप लोग जाकर के थोड़ी शूटिंग कर लो। और इसी वर्ष हम लोग संतरा का जूस निकालेंगे और एक भी संतरा का पीस खराब ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। और जितना बड़ा हम प्लांट लगा रहे हैं उससे केवल विदर्भ का और महाराष्ट्र का नहीं, मध्य प्रदेश तक का भी संतरा हम लोग खरीद सकेंगे, ये इसी साल आपको करके दिखाएंगे। ऐसा है, योग का कार्य ये गैर सरकारी कार्य है, यद्यपि हमारे योग से प्रेम करने वाले नरेंद्र मोदी जी और योग से प्रेम करने वाले अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, हमारे खुद वित्त मंत्री जी, वो योग को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई सरकारी सहयोग का प्रश्न नहीं है। बल्कि यदि सरकारी उत्तरदायित्व में रहने वाले लोग, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोग, यदि योग को महिमा देते हैं तो ये तो बहुत गौरव की बात है, इसमें किसी तरह का प्रश्न कहाँ आता है। अब मुंगटीवार जी जो है खुद योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, योग शिविर करा रहे हैं, तो ये इनका जो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, और योग के माध्यम से लोग निरोग बने, लोगों के जीवन में सात्विकता, सच्चरित्रता, पवित्रता, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो प्रशंसा की बात है। बाबा जी की एक तरफ जो किसान है उनको जब कर्ज माफी उसका पैसा नहीं मिला, अभी ओले पड़े उसको उसके पैसे नहीं मिले, एक तरफ ऐसा देखो आप लोग सही से प्रश्न करो, इस तरह से गलत प्रश्न करना, योग करना कराना क्या गलत बात है क्या? इम्पोर्टेंट महत्व नहीं, ऐसा देखो आपको क्या तकलीफ है योग कराने से? किसानों को मुआवजा, दिस इज ए डिफरेंट, किसानों का मुआवजा डिफरेंट मैटर है, उसको आप मंत्री जी खड़े इनसे पूछ लो। योग वाली बात, योग को महत्व देने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये गलत प्रश्न है ना।
कि हम लोग योग के सरकारी पैसे लगे नहीं। देखो पहली बात तो ये है, सुनो बीजेपी के, अब सुनो, देखो मैं दो बातें कह रहा हूँ। सरकार को सभी क्षेत्रों में उनकी अलग अलग उत्तरदायित्व, सरकार जो अपने उसके जो किसानों के प्रति उत्तरदायित्व है, शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व है, जो सरकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्तरदायित्व, उनको निर्वहन कर रही है सरकार। और यदि योग को भी प्रोत्साहन देती है तो इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये किसी भी तरह से इसमें कोई राजनीतिक घालमेल नहीं है, और ये सरकारी शिविर नहीं है, ये सब लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के हित के लिए शिविर हो रहा है। और योग से तो लोग जितने स्वस्थ होंगे, सकारात्मक होंगे, उत्पादक होंगे, उतना अच्छा ही है। इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रश्न उठाने का। ऑरेंज पार्क के बारे में क्या कहें? ऑरेंज, देखो हमने बोला कि विधायक जो है आंदोलन इस बैठे बीजेपी के। इसी वर्ष आपको मेहान के अंदर ऑरेंज का जूस, अरे मैं अपनी वाली बात करूंगा ना, मैं दूसरी वाली बात करूंगा। इसी साल हम आपको मेहान में संतरे का जूस निकाल के पिला देंगे, आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को पिलाएंगे, और जो हमने संकल्प किया था उसको पूरा करके दिया।